यस सर स्टॉक है डीप एस्ट्रा माइक्रो और ये स्टॉक पहली बार मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट में आया आ, डिफेंस से रिलेटेड कामकाज से जुड़ा हुआ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ये स्टॉक है आ, तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की राय क्यों है खरीदारी जी पहली चीज प्रोमोटर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है अगर आप जाके देखेंगे वैसे तो प्रोमोटर्स की स्टॉक स्टेक आपको दिखेगी साढ़े छः परसेंट सिर्फ साढ़े छः परसेंट तो आपको लगेगा इतनी कम स्टेक लेकिन ये प्रोफेशनल प्रोमोटर हैं ये सारे वो प्रोमोटर्स जो इसरो में पहले काम करते थे डी में काम करते थे और फिर उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी जैसे एक ज़माने में आई कंपनी में होता था ना कि आई इंजीनियर्स वगैरह अपना काम शुरू करते थे ये उस तरह की प्रोमोटर्स है जिनका बहुत ही स्ट्रॉग एजुकेशनल और गवर्नेंस बैकग्राउंड है बहुत नीट एंड क्लीन और अच्छे प्रोमोटर्स है जैसे मुझे एमटार में पसंद आते हैं जी exactly. ये जैसा ये न, तो ये ना तो इस तरीके वाली लिस्ट है जो प्रोफेशनल तो प्रोमोटर्स है यहाँ पर दूसरी चीज जिसकी वजह से मुझे ये पसंद है कि ग्रोथ कंपनी का प्रेजेंटेशन है ये अवेलेबल है आप सबके लिए हमारे लिए ऑफिशियल प्रेजेंटेशन है इस प्रेजेंटेशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी है कंपनी अभी दीप कंपनी की जो रेवेन्यू है वित्त वर्ष दो का मार्च का कितना है आठ करोड़ वित्त वर्ष दो हजार साल में कितना बढ़ सकता है आठ सो, करोड़ से आठ हजार करोड़ का टारगेट रखा है टाइम्स टाइम्स मुनाफा करीब करीबन आपका जो आ, जो दस यह मुनाफा नेचुरली उस हिसाब से आपके लिए एकदम बढ़ने उस तरह की ग्रोथ मुनाफे में भी दिख रही है पंद्रह प्रोडक्ट अभी तक ये डिफेंस की जो नेगेटिव लिस्ट है जो कि जिसको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते चार सौ में से पंद्रह प्रोडक्ट ही बनाते हैं बाकी प्रोडक्ट्स स्कोप कितना है बढ़ने के लिए ये बोलते हैं कि इनका जो एड्रेसेबल मार्केट है वही पच्चीस से तीस हज़ार करोड़ का है तो उसमें से ये आठ हज़ार करोड़ का रेवेन्यू टारगेट करते हैं अगले पाँच सालों में तो ये दूसरा इनके लिए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक है फाइनेंशियल्स बहुत मजबूत हैं और फाइनेंशियल के लिहाज से अगर आप देखें दीप तो वित्त वर्ष दो में तीन करोड़ का रेवेन्यू था ऑलरेडी तेईस में आठ करोड़ सोलह करोड़ पहुँच चुके हैं पाँच साल में चार साल में दस करोड़ का प्रॉफिट था सत्तर करोड़ के प्रॉफिट पर आ चुके तो अभी तक का पिछले चार साल का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत मजबूत है फिर से अच्छे ट्रैक पर आती हुए दिख रहे और आगे के लिए ग्रोथ आउटलुक आपको पता चली गया कि प्रोडक्ट्स में भी स्कोप है और साथ ही साथ रेवेन्यू बढ़ाने का खुद कम से निका अब इसमें एक दो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है दीप जिसकी वजह से ये ये बढ़िया ग्रोथ दिखा सकता है पहली तो ये कि साल दर साल तीस के आसपास की कंपाउंडेड ग्रोथ कंपनी में आ सकती है ये कंपनी के प्रेजेंटेशन से दिखता है दूसरा ये कि आप अगर ये देखेंगे तो एक जो अभी हाल ही में एक अनाउंसमेंट आया था सरकार की तरफ से नेविक को लेकर Hmm. जो एक अभी तक क्या होता है कि हमारे मोबाइल्स वगैरह में जो भी चिप्स लगी सिस्टम वगैरह ये सब hmm. हम बाहर से लेते हैं उनके चिप्सिटी के थ्रू आता है तो हमारे कई बार सेफ्टी सिक्योरिटी के तौर पर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है सरकार का ये कहना है कि हिंदुस्तान में जितनी भी गाड़ियां बनेगी जितने भी मोबाइल फोन होंगे ये होंगे वो अब हमारे तो ये नेविक चिप बनाने वाली इंडिया में दो ही कंपनी है जिसमें से एक एस्ट्रा माइक्रो ये बड़ा मौका इनके लिए खुल सकता है आज भी कुछ खबरें आई कि इन्होंने कुछ बड़े करार वरार भी किए हैं वो करार की भी खबरें हैं तो अब ये कंपनी एकदम परफेक्ट साइड डायरेक्शन एंटी ड्रोन में भी ये जाने की तैयारी ड्रोन का मार्केट बड़ा है जितना ड्रोन का मार्केट बड़ा होगा एंटी ड्रोन का मार्केट भी बड़ा होगा बिल्कुल आई थिंक स्कोप बहुत जबरदस्त है इस कंपनी के लिए और अभी इस कंपनी में एक इश्यू के कि पी मल्टीपल पर देखेंगे आपको बहुत महंगा दिखेगा अनडाउटेडली मतलब आपको महंगा नजर आएगा लेकिन इसका तरीका क्या है अगर आप अगले साल के अर्निंग पर देखें तो 22-25 के पी मल्टीपल पर जो कि इस तरह की कमरों के लिए ज़्यादा नहीं है इस तरह के मार्केट में जब लाइफ टाइम है सो मेरा ये कहना है कि सेम फॉर्मूला रखना है आराम से खरीदिए जरूरी नहीं कि आज के आज आपको लेना है कोई जल्दी कोई हड़बड़ी नहीं है आराम से लीजिएगा और हर दस के फॉल पर आपको एस आई पी करनी Got it. नाम ही ध्यान रख लिया नवरत्न न एस आई पी और आएंगे भी फॉल ऐसा नहीं कि आएंगे वन साइडेड मार्कर तो आराम से आप धीरे धीरे कीजिए। मैं छोटे टारगेट अभी एक सौ तीन साल के लिए दे रहा हूँ लेकिन अल्टीमेटली 2028 तक अगर कंपनी कहती है हम आठ हज़ार करोड़ का रेवेन्यू करने की ताकत रखना हैं तो आपको पाँच साल के व्यू से इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए अभी के टारगेट 600 650 और 750 ये तीन छोटे टारगेट है जिसके लिए आपको खरीदारी करनी है और हर 10 परसेंट फोल पर एस आई पी करनी है। बिल्कुल चलिए तो ये है आपके लिए नवरत्न एस में आज एस्ट्रा माइक्रो इस पर आपको अच्छी मूव आ सकती है